I'm a Barbie girl in my Barbie world. Imagination, that is your creation. You can body. Hi guys, I'm Vishal Vashisht. Hi guys, I'm Heli Shah. Hi guys, my name is Rahul Sudhir. And you're watching us on FIFA Foos TV. You can brush my hair with Brahmi Amla Kesh Tel. It's fantastic. Set se maine ek souvenir chura liya. Chura liya? Yeah. Kya liya? Ek kitab bhi uthai aur ek wo chamakne wala jo heera hota na Vanchraj Singhania ka wo utha liya. Oh, thank you. Is team ki tigdi ko kafi pasand kiya gaya. On screen bhi off screen kya kehna chahenge? विशाल बोलिए यार, कुछ तो तू बोलता ही नहीं है। क्या बोलूँ, वो वाला कैमरा मेरे को कवर कर रहा है तो खा मत मुझे। सॉरी, मैं मेरी आवाज़ें मेरी भर आई है। अरे यार, शिल्पा इतने सिंसेरिटी के साथ पूछते, कुछ तो बोल दे। नहीं, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि तीन हम लोग काफ़ी कमाल कर जाएंगे। नाउ आई कैन से इट प्राउडली कि हाँ, मतलब काफ़ी कमाल किए हैं हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन टू वॉट एवर डे इट इज़ टूडे। तो आज भी मतलब शूट हम सुबह से ही कर रहे हैं और कल रात को हमने हम शटर डाल के हम बस घर गए, बस नहाए धोए और आ गए, वापस आ गए। बट एनर्जी फिर भी अप थी, सो आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट वी आर एंजॉयमेंट ऑफ द एंटायर क्रू। आई थिंक कोई खास बात शूट ये तो विशाल ही बता सकता है। अच्छा, मैं क्या करता रहता हूँ? He's got that insight. Vishal has got that real insight. He's got that. He's a yogi on our set. Oh, भाई, ये मेरे को करियर ऑप्शंस दे रहा है। क्या खास बात, खास बात शो की क्या? आई थिंक द कनेक्ट बिटवीन ऑल द एक्टर्स, नॉट जस्ट द थ्री ऑफ अस बट ऑल ऑफ अस, इसके वजह से भी आई थिंक शो हमारा काफी हिट रहा है। हाँ, काफी हिट रहा है इसके वजह से शो हमारा। आई थिंक जस्ट द फ्लूइडिटी बिटवीन पीपल एंड यू नो द वे एवरीबॉडी इज जस्ट जेल्ड एंड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड ईच अदर फॉर हु दे आर एंड सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेड ईच अदर विद देयर फ्लॉज, I think that is commendable. oh man. yeah, with their flaws. Yeah. Heli, what is your reaction on this? काफी आपके ऊपर जोर करके ही बात कही गई थी। I mean, जानबूझ के की गई थी, but नहीं भाई, हम लोग हेली के सामने बात नहीं करते, but हम जब एक साथ थोड़ा चिल करते हैं एक तो हम बहुत बिचिंग करते हैं हेली की, बहुत बिचिंग करते हैं हम लोग हेली की। हेली कुछ ज्यादा मेहनत करती है यार, कुछ ज्यादा डेडिकेटेड है। हम लोग उसको पैसा मिल रहा है और वही मेहनत कर रही है और बाकी सब तो ऐसे ही है, टाइम पे भी आती है, बाकी सब तो बस वही है और हम थक जाते हैं, वो थकती नहीं है, सब तो जर्दा खाते हैं सेट पे। हाँ, बाकी सब तो जर्दा खाते हैं, बस हेली मेहनत करती है भाई हमारे सेट पे। ऐसी फीलिंग देती है हमें हेली, ऐसी फीलिंग देती है। सो एक्चुअली में वो कुछ बुरी नहीं है, वो हमें बस ऐसी फीलिंग दे रही है, हम दोनों को ऐसा लग रहा है, हमें बस ऐसा फील होता है कि हाँ, वी शुड बी वर्किंग। ये बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है। हाँ, वो कौन, वो अकॉर्ड हो गई। कोई भी जब एक जर्नी खत्म होती है तो कुछ चीजें होते हैं हम जो लेके जाते हैं वहां से, ठीक है? तो इस शो से क्या कुछ चीज है जो सेट से मैंने एक सुवनियर चुरा लिया। चुरा लिया? यार, एक किताब भी उठाई है और एक वो चमकने वाला जो हीरा होता है ना वंशराज सिंघानिया का, वो उठा लिया। डायमंड, वो मेरे को एक्चुअली सेटिंग दादा ने गिफ्ट दे दिया था जाते जाते। यार, ये सेटिंग करके रखी है। बड़े बड़े पोस्टर्स मेरे बने थे, कहते आपको ले जाने हैं। अपने ही पोस्टर मैं तो सोच रहा हूँ, रिद्धिमा का वो पोस्टर जो मैं यूज कर रहा था ना, वो ले जाता, वो ले जाता निकल के आती कट आउट, वो ले जाता हूँ मैं। ओ मेथड, बहुत शुरू में किया था और आखिरी में बस किया, एंड या मजा आया कटआउट के साथ। आई थिंक ज्यादा मजा आया कटआउट के साथ, तो बहुत रोमांटिक हो गया। हाँ, क्योंकि सिर्फ लाइन सिर्फ मेरी थी ना, बहुत मजा आ रहा था। रियल रियल रोमांटिक साइड केम आउट, इट वाज विद द कटआउट ओनली। कोई चीज ज्यादा मिस करी या करेंगे? या देखिए, मिस करने वाली बातें ऐसी नहीं है, वी विल कंटिन्यू शूटिंग। It is just the fact that it's just switching its broadcasting. I mean, pehle bhi boot pe aa raha tha, abhi bhi aayega. It's we're like just, a we're just very shutting important on colors. Phase, ek it's phase tha ye jo humne khatam kiya hai abhi. Exactly. But it's still, I think it just feels a little weird, man. Yes, yeah, of course. There is this feeling that there is this shift in something. Ek kuch haan, kisi cheez ka ek culmination hua hai, and now something new will start. Yes. So I think it's a good thing that we'll have a fresh fresher start, perspective and you know, and, you know, something ways new to look also. It, yeah. But at the same time, it's just a little weird feeling. Maybe agar last shot hum jab denge TV series ke episode ka, to you might cry. I mean, I
I don't necessarily You will cry. और अगर तुम्हें नहीं आएगा तो तुम ग्लिस लगा के रोना शुरू कर दोगी just to show everybody कि that you are really emotionally attached. No, उसमें कोई doubt नहीं है. You are going to be immortal after that. Yeah. नहीं यार. Just cry with that overwhelming feeling. ये मैंने दे दिया insight. Yeah. Haley, now you know exactly what to do. हाँ. और ऐसे. सर कह रहा है. ऐसे ही एक बहुत ही भारी insight मुझे राहुल ने दिया था शुरू में. एक बहुत ही कड़क सीन था और मैंने पूछा कि राहुल यार मैं पता नहीं व्हाई एम आई फाइटिंग फॉर दिस सीन व्हाई एम आई डूइंग दिस देन ही सेज कि वो मदर वाला जो तूने मुझे मोटिवेशन दिया था कि वो तेरी माँ है रूम में हाँ रूम में तेरी माँ है भाई वो तो मुझे वो नहीं पता था वो ब्रीफ देखो पता ही नहीं कुछ कर क्यों रहा है ये स्टोरी के अंदर मैंने उसको बताया भैया वो तेरी माँ है असली में अनुप्रिया कहता हूँ मेरी माँ है दैट ब्रीफ वॉजंट गिवन टू मी मे बी ऑन पर्पस आई थिंक कि ये ज़्यादा इनसाइड में तो नहीं चला जाए ऐसे ऐसे बोलने लग जाए possible no I didn't know that you didn't know she was your mother in the why show why do you think I reacted like that what और फिर मैं prepare करने लग गया उसके बाद तो मतलब rest is history oh my rest is history कर गया कहता rest कहता frame में तो मैं ही खाता हूँ rest is history so first shot मुझे तो याद है अपना हाँ ओह हाँ मुझे भी याद है मुझे भी याद है मैं एक रूम में था जहाँ हम लोग सीन कर रहे थे दोनों का साथ में एक सीन हाँ, था चुम्मा चाटी वालों नहीं भाई पहले दिन इतना कंफर्टेबल कैसे हो जाएं पहले दिन मैं सिर्फ बता रहा था कि ये शो जिसके बारे में है तू जा रही है और इन्वेस्टिगेशन करने गाना कौन है उस डिडंट यू फर्स्ट शूट द प्रोमो यू गाइस बट वी जस्ट टॉकिंग प्रोमो तो किया बट प्रोमो तो किया अच्छा ओके फर्स्ट नहीं वो तो सेकंड प्रोमो था बट आई द फर्स्ट सीन फॉर द फर्स्ट सीन यू शॉट फॉर द सीरीज या ओके वो प्रोमो में फिर भी कौन हॉस्टल बात करता यार हां तुम तो रहने ही दो अरे तुमने तो जो गंदी वाइब्स दी है ना प्रोमो में आई कांट बिलीव आफ्टर 1 ईयर आई एम टॉकिंग टू यू प्रोमो में चलो सिंस वी आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द प्रोमो की वाइब्स हेली की हेली वाज ऑन सेट और हम लोग यू नो यू लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई कौन एक्टर है वी नो दैट तीन एक्टर्स हैं हेली एंड हेली इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर और हेली इज सो सिंसियर दैट इट्स स्कैरी एंड इट्स लाइक कि भाई मैं कौन हूँ भाई मैं बात करूँ मैंने कुछ गलत किया क्या मैं उसे ढंग से बात नहीं किया तुम्हें हाय बोलने में डर लग रहा है वो इतना मेथड करके ज़ोन में रिधिमा के मतलब चमाट चुमाट मार अगर आप जोक क्रैक करोगे ना उसके सामने सीन में शी डजंट रिस्पोंड एंड देन यू लाइक ओ शिट उसका हेली का लुक बताओ क्या ऐसे या व्हाटएवर टू हेल्प विद यू एंड आई एम एक्टिंग कर रही हूं आई एम नॉट किडिंग आई एम वेरी सीरियस कैसा हुआ है हां ऑब्वियसली भाई तो हेली का शुरू में बर्दाश्त करते आए कि यार ये तो मतलब ये तो जोकोक नहीं करेगी यार कैसे निकालेंगे यार हां भैया रियली भाई भैया हमसे कम एक साल तो निकालना पड़ेगा चलेगा कैसे टाइम है आप सो आई थिंक दिस विल बी आवर टेक अवे दिस विल बी माय टेक अवे टू वन ऑफ द टेक अवेज डेफिनेटली विशाल आई थिंक लास्ट शॉट दे चुके अपना यस ओह शिट मैन आई कांट स्टिल कांट बिलीव इट यस और मुझे मेरी गाड़ी हटानी होगी Oh no! Give the keys to Atul ji na. I don't have the keys. तो चाबी देना है. चाबी लेंगे ना. हाँ. चलो. वैनिटी खुली है. चाबी उसमें पड़ी हुई. खुली भी है. चाबी एकदम सामने. हाँ. वो डेस्क पे जहाँ पे वो मेकअप होता है ना वहाँ पे पड़ी हुई है. जी सुन जाते हो तो फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको. कह दो यार तुम So, देखिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं wow. हम बहुत दिलदार हैं हम बहुत कमाल हैं हम दिलबर मेरे हैं कब तक मुझे हैं ऐसे ही तड़पाओगे हमने कोशिश बहुत करी आग दिल में लगाने की बट आई डोंट नो व्हाट आई मेंट बट स्क्रू दैट मेरे कहने का मतलब है थैंक यू सो मच मैन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव पेशेंस एडुलेशन गिफ्ट्स ट्विटर ट्रेंड्स विशाल को इतना एक्स्ट्रा प्यार इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट विशाल के लिए मैंने टिपाए भी हैं एंड हेली को इतना एक्स्ट्रा प्यार ऑल ऑफ दोस थिंग्स So there are other jodies also. Yeah. I think this is the first ITV show जहाँ पे दो लड़कों की केमिस्ट्री पे बात चल रही है. हाँ. I am extremely proud of it, man. Very proud of it. Very proud of it. क्या कर गए बीवी हम? #कावा. 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 It was something. Yeah. It was something. Yeah. वो तो यार. शिल्पा तुमको ना. शिल्पा तुमको ना अगर उंगली ऐसे देते हैं हाँ। यार मैं तो वही गाने वाला था शिल्पा तुमको ऐसे उंगली देते हैं ना तुम बहुत बुरा हाल करती हो उस उंगली का मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया मेरे को कौन सा गाना गाया विशाल तू गा दे आज दिखा दे सबको कौन सा गाना गा ले अरे गा दे हेली के लिए तू भाभी गर्ल हां मैं भाभी गर्ल हां ये हमारा एक बहुत दो तीन दिन से रुका हुआ है तो हम आज गा ही लेते हैं लेट्स डू इट लिरिक्स तो बता दो आई एम अ भाभी गर्ल इन माय भाभी वर्ल्ड
imagination that is your creation. You can brush my hair with Brahmi Amla Kesh Tel. Chalo. Very nice. Integration. I'm a Barbie girl in my Barbie world. Imagination that is your creation. Come on, Barbie. Come on, Barbie. Let's go party. Yeah. Come on, Barbie. Let's go party. Ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh. I'm a Barbie girl in my Barbie world. Imagination that is your creation. You can brush my hair with Brahmi Amla Kesh Tel. It's fantastic. It's fantastic. Come on, Barbie. Let's go party. Yeah. Bas na. खत्म ही नहीं हो रहा है पूरा गीत गा दोगे क्या चार मिनट चलो भैया रील नहीं बना बट नाउ वी आर देयर यस ब्रो वी फाइनली डिड इट हेली किल्ड इट ब्रो